स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार का अमेठी चुनाव नहीं लड़ना साफ दिखाता है कि वो डर चुके हैं। ओके। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ा। राहुल गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने पर सियासत तेज हो गई। एनडीए के तमाम घटक दल के नेता इसे राहुल गांधी का डर बता रहे हैं। देखिए राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने पर एनडीए नेताओं का क्या कहना है। ये डर है, यही तो डर है। पहले डर था तो मंदिर तक पहुंचाया हम लोगों ने, मंदिर भी पूजा करना पड़ रहा है। और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और पूरा प्रियंका गांधी जी अपने परंपरागत सीट जिस पर उनकी दादी, उनके दादा, उनके परदादा लड़ते रहे, अब उसको भी छोड़कर पूरा खानदान भाग गया। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, पांच जगह से चुनाव लड़ेंगे तो भी हारेंगे। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए, इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। उनको मालूम है डर सता रहा है, समझे, डर सता रहा है उनको मालूम है। जो लोग लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं तो वो लोग बड़ा लोकतंत्र पर क्या हमला करेंगे जो परिवार तंत्र से घिरे हुए हैं। और सम्राट चौधरी ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 10 लाख नौकरी देने का दावा किया था उसे किसी भी कीमत पर पूरा किया जाएगा। साथ ही सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि हम वो नहीं कि कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। एकदम स्पष्ट तौर पर लिख के रख लीजिए, 2025 के नवंबर में जब चुनाव होगा 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, एक एक व्यक्ति को 10 लाख का लिस्ट निकाल कर पूरे बिहार के लोगों का बताने का काम करेंगे। और ये गारंटी है, ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि 15 साल में 1 लाख लोगों को। मुंगेर में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होनी है और इसे लेकर एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी है। लखीसराय भी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है और इसे लेकर लखीसराय में जदयू नेता रामानंद मंडल गोपाल कुमार सिंह ने जिले के सभी 7 प्रखंड में प्रचार गाड़ी को रवाना किया और एनडीए गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा। आपको बताएं कि मुंगेर से जदयू उम्मीदवार ललन सिंह और आरजेडी की अनिता देवी के बीच सीधा मुकाबला है। चुनाव प्रचार, अब तो कम समय बचा है और इसलिए के प्रचार गाड़ी निकलना अति आवश्यक था। और 5 तारीख को, 5-5 को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, 10 बजे का समय दिया गया है और अभी आप लोग देख रहे हैं कि एक एक करके चुनाव प्रचार गाड़ी और पूरा तैयारी है कहीं लेकिन परंतु नहीं है। हमारा जो विरोधी दल है हताश हो चुका है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।